प्रतापगढ़ से मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त तमाम जानकारी से के साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा आजमगढ़ से मेरे सहयोगी अभिषेक मिश्रा हैं। लेकिन सबसे पहले जितेंद्र, आपका रुख करते हुए, क्योंकि प्रतापगढ़ में मुकाबला बेहद दिलचस्प है, लेकिन दरअसल इस वक्त बात इस पूरे चुनाव में इस बात पर टिकी हुई है कि जितने ज्यादा फीसदी मतदान होगा उतना ही क्लियर रिजल्ट, क्लियर मैंडेट आएगा। प्रतापगढ़ की क्या स्थिति है, सुबह से कितने फीसदी मतदान हुआ है? देखिए नया, सुबह से प्रतापगढ़ में ये स्थिति थी कि जब 7 बजे वोटिंग शुरू हुई तो उस दौरान करीब 11 बजे के आसपास तक लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे थे। लेकिन अब जबकि 1.5 से ज़्यादा वक्त हो चुका है, यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे जो लाइनों में लोग हैं वो काफ़ी कम संख्या में इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। 2-4 लोग लाइन में दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि ये ग्रामीण इलाका है, ये प्रतापगढ़ जिले का सांगीपुर का क्षेत्र कहलाता है। इस इलाके में लोगों की संख्या इस वक्त 2-3 लोग आप लाइन में देख सकते हैं, दिखाई पड़ रहे हैं पोलिंग बूथ पर। तो ये वजह ये बताई जा रही है कि ज्यादा तेज गर्मी होने के चलते लोग ज्यादा घरों से नहीं निकल रहे हैं। शाम को 4 बजे के आसपास ये कहा जा रहा है कि लोग फिर से दोबारा निकलेंगे और उस वक्त वोटिंग परसेंटेज कुछ ज्यादा दिखाई पड़ेगा। लेकिन अभी तक की बात करें तो 1 बजे के आसपास करीब 24% के आसपास जो है वोटिंग हुई है वो काफी पहले से कम बताई जा रही है, क्योंकि धूप और गर्मी के चलते लोग ज्यादा घरों से इस वक्त नहीं निकल रहे हैं। आज तक की तरफ से भी ये अपील की जाती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकलें और यहाँ पर वोटिंग करें। लेकिन सियासी समीकरण यहाँ नेहा काफी दिलचस्प है, क्योंकि ये कहा जाता है कि प्रतापगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ अब तक के जो 17 चुनाव हुए हैं उसमें राज घराने का ही यहाँ पर बोलबाला रहा है, यानी कि जो यहाँ राज परिवार है उनके लोग ही कहीं ना कहीं यहाँ पर जीतते रहे हैं और 11 बार जो है राज घराने से जुड़े हुए लोग यहाँ पर जीत हासिल की। लेकिन इस मिथक को बीजेपी ने 2019 के चुनाव में नेहा उन्होंने तोड़ा था और यहाँ पर जो संगम लाल गुप्ता हैं उन्होंने जीत दर्ज की थी और दोबारा इस बार उनको बीजेपी ने उन पर भरोसा जताते हुए उनको टिकट दिया है और वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मैदान उनके लिए पूरी तरीके से साफ नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो काफी जोर आजमाइश कर रहे हैं और तीसरा प्रत्याशी बीएसपी का भी खड़ा हुआ है नेहा, जिसके चलते लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा और उसमें काफी दिलचस्प आंकड़े आने की संभावना। त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ प्रतापगढ़ में, वहीं आजमगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो चुनाव के इन वक्त, सुनिए। वो पूरा आजमगढ़ जानता है कि 1.5 साल में आजमगढ़ ने इतना तरक्की किया, इतना आगे बढ़ा है, तो फिर से कमल इसीलिए खिला रहे हैं ताकि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना है, यहाँ नई रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, यहाँ नई नई ट्रेनें चलानी है, यहाँ महायोजना लागू हो गई, गोरखपुर और बनारस की तरह आजमगढ़ को चमकाना है, इसलिए आजमगढ़ की जनता फिर से कमल खिला रही। मुझे लगता है कि धर्मेंद्र यादव और अखिलेश यादव, ये लोगों का एक बयान देखिएगा भैया, सुन लीजिए। जब 19 में यहाँ अखिलेश यादव लड़ने आए थे और वो चुनाव के बाद नतीजे आने से पहले ही चुनाव आयोग में गए और उन्होंने कहा यहाँ जो भी नतीजा होगा नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ धांधली हो रही है, और जीते तो मान गए। तो इन लोगों की आदत है, इनका चरित्र है कि ये ऐसे ही बात करते हैं पर ये नहीं बताते हैं कि हम आजमगढ़ रहते नहीं हैं, आजमगढ़ के लिए काम नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि मैंने कोई जाति धर्म नहीं देखा, कोई पार्टी नहीं देखा, और मैं हारा तो भी जीता तो भी आजमगढ़ में रहा और जो भी मेरे पास आए अपना काम लेके मैंने सबका काम किया। और उसी के दम पे जब 19 में मैं आया था, जिस यादव बाहुल्य गांव में पत्थर फेंके जा रहे थे वो बूथ भी हमने 22 में जीत लिया क्योंकि लोगों के लिए काम किया। तो जब आप किसी के लिए काम करते हैं, आप रहते हैं, उसका दुख सुख सुनते हैं, तो आपको लोग, जनता जो है आपका साथ देती है। और यही कारण है कि आजमगढ़ इस बार बहुत लंबी विजय हो रही है और इस बार 8,000 नहीं 80,000 से जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी की योजनाओं का लाभ है और जनता ने उनके योजनाओं का लाभ उठाया है और निरहुआ यहाँ रह के काम किया है इसलिए जीत रहे हैं। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी सीधे आजमगढ़ से इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अभिषेक, आपने तो दिनेश लाल निरहुआ से बात करी, लेकिन आजमगढ़ हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, ये यादवों का वोट बैंक है, ऐसे में पिछला चुनाव निरहुआ हार गया, उसके बाद उपचुनाव वो जीते, क्या लोगों में अपने काम के प्रति वो भरोसा जता सके हैं या फिर लोग वही सोचते हैं कि अभी वोट मांग रहे हैं उसके बाद चले जाएंगे यहाँ से?
देखिए बिल्कुल नेहा, काफी दिलचस्प होगा आजमगढ़ की सीट पर चुनाव, और यही कारण है कि निरहुआ अपने 2 साल के काम को गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ जो पहले नहीं मिल पा रहा था वो हमने 2 साल में यहाँ सुनिश्चित किया है। और इस बात को कहते हैं कि धर्मेंद्र यादव बाहरी हैं, वो जब चुनाव हार गए उसके बाद से कभी पलट के नहीं आए और अब अपने समीकरणों का हवाला दे करके यहाँ पर सीट जीतने की बात करते हैं। लेकिन इसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि आजमगढ़ की सीट पर जो जाति बाहुल्यता है और जो यहाँ का समीकरण है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को फायदा देता रहा है। यादव और मुस्लिमों का जो वोट बैंक है वो सीधे तौर पर फला रहा है, और इस बार दलितों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण होगी कि वो किस तरफ जाते हैं। तस्वीर हम आपको एक दिखा देते हैं, हमारी मौजूदगी मोहम्मदपुर बूथ पर है और यहाँ पर जो है लगातार वोटिंग चल रही है। हालांकि दोपहर का समय है तो थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन अभी भी लोग जो है अपने घरों से निकल के वोट कर रहे हैं। मुद्दा वही है, विकास को लेकर के बात हो रही है। इसके अलावा महंगाई बेरोजगारी का भी मुद्दा हमें सुनाई दे रहा है, लेकिन आजमगढ़ के जो सामाजिक और राजनीतिक समीकरण है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी इसे अपना गढ़ तो बताती है, लेकिन निरहुआ की एंट्री जब उपचुनाव में यहां 2022 में हुई उसके बाद में कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस क्षेत्र में भी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की है। लेकिन इस चुनाव में जिस तरीके से इंडिया अलायंस में कांग्रेस का भी सहयोग मिल रहा है और बसपा के कैंडिडेट उतरने के कारण कहीं ना कहीं ये भी बहुत रोचक होगा कि आखिर इसका फायदा क्या बीजेपी या एनडीए लेके जाती है या फिर इसका फायदा इंडिया अलायंस को मिलेगा। हालांकि अभी तक के जो ट्रेंड आ रहा है उससे नजर आता है कि एक जो दलित वोट है उसमें बिखराव नजर आ रहा है, लेकिन आजमगढ़ की सीट जहां पर समाजवादी पार्टी अपने आप को मजबूत बताती रही, एक समय में अखिलेश यादव ने 2019 में यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने सीट को छोड़ा तब यहां पर वापसी करने की कोशिश हुई, लेकिन उस उपचुनाव में निरहुआ ने यहां से जीत। ये तो यूपी की बात हुई जहां पर बेहद दिलचस्प मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। आप आजमगढ़ की स्थिति बता रहे थे, बिहार में भी आज 8 सीटों पर मतदान किया जा रहा है जिसमें पूर्वी चंपारण, दक्षिण चंपारण, सिवान जैसी प्रमुख सीटें शामिल हैं। बिहार की इन 8 सीटों पर सुबह से ही मतदान हो रहा है, लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहार चौधरी को आरजेडी की तरफ से मिल रहा है। वहां पर जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में विजयलक्ष्मी कुशवाहा हैं। सिवान में ये दिलचस्प मुकाबला है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाबुद्दीन किस्मत आजमा रही है। त्रिकोणीय मुकाबला यहां सिवान में सबसे दिलचस्प सीट और 8 सीटें बिहार की जिन पर आज सुबह से ही मतदान चल रहा है। हिना शहाब क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। सिवान में आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हमारे साथ हैं निर्दलीय प्रत्याशी हिना शहाब। हिना जी, आपका स्वागत है आज तक पर। जी, थैंक यू। पिछली बार जब आपसे बात ले जाओ इनको गाड़ी में बैठा। पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तो आपने गाड़ी में बैठा दो, आप उम्मीदवारी आपकी तरफ से होगी, जरूर होगी। जी बिल्कुल, उम्मीदवारी हो गई है। अब ये बताएं कि क्षेत्र के लिए क्या क्या योजनाएं हैं? बहुत सारी योजनाएं हैं, अभी तो ये पहला कदम है। मैंने पहला अपना वोट दिया और इसके साथ संकल्प लिया कि मैं अपने सिवान के लिए समर्पित हूँ और सिवान के लिए जो भी हमारे गांव से लेके शहर तक जो भी काम आएंगे, जो आवाम की भलाई के लिए, वो मैं करूँगी। यहाँ तेजस्वी आए, तमाम बड़े नेता आए कैंपेन करने के लिए, इस पर क्या कहेंगे ना? मैं ये कहूंगी कि हेलीकॉप्टर आए, बहुत आए, लेकिन टेम्पू सब पे भारी है। तो ये थी हमारे साथ हिना शहाब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हेलीकॉप्टर बहुत आए लेकिन टेम्पो सब पर भारी है। मतलब उन्होंने स्थानीय कैंडिडेट की महत्ता पर जोर दिया। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदित्य वैभव आज तक। लक्ष्मी जी, ये बताएं कि आज जो वोटिंग हो रही है, जिस तरह का मौसम है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? वोट तो बहुत बढ़िया गिरा था, वोट अच्छा होगा, बहुत बढ़िया। ये बताएं कि बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर क्या आपको लगता है, मतलब हिना शहाब और अवध बिहारी चौधरी, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में? उनको तो सब कहने वाला कहने दीजिए, जीत तो मैं रही है। हाँ। और पश्चिम चंपारण से इस वक्त मेरे सहयोगी शशि भूषण जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, पश्चिम चंपारण में आज सुबह से ही मतदान हो रहा है, लेकिन वहां पर स्थिति और किस तरह का चुनावी मिजाज देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प और एक बेहद अहम सीट पर इस वक्त आपकी मौजूदगी है। बिल्कुल नेहा, देखिए आपने खुद बिहार आकर के ग्राउंड रिपोर्ट करी है और आपने देखा है बिहार में किस तरह की गर्मी पड़ रही है, और इस वक्त हम पश्चिम चंपारण
जिले के अंदर ही हैं, लेकिन यहाँ पर लोकसभा सीट बदल जाती है। वाल्मीकि नगर सीट पर हमारी मौजूदगी है। वाल्मीकि नगर सीट पर मुकाबला जो है वो जेडीयू और आरजेडी उम्मीदवार के बीच है। सुबह हमारी मौजूदगी बेतिया, मतलब जो पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट है वहाँ पे थी। वहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और सुनील मदन मोहन तिवारी वो वहाँ आमने सामने हैं। और यहाँ आरजेडी के उम्मीदवार दीपक यादव और सुनील कुमार जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं उनके बीच मुकाबला है। लेकिन एक बजे तक बिहार में 38% वोटिंग हुई है नेहा, तो वजह क्या है? थोड़ा हम अपने सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम से कहें, एक बार दिखाएं। देखिए, वोटर्स की मौजूदगी नहीं है, ये ग्रामीण इलाका है और बगहा के परसौनी स्थित बूथ पर हम हैं। लेकिन दोपहर के वक्त ग्रामीण इलाके में भी वोटर्स नहीं आ रहे हैं, तो गर्मी इतनी ज़्यादा है जिसका असर है कि लोग नहीं चाहते हैं कि दोपहर के वक्त वोटिंग के लिए आया जाए। एक बार फिर से 3 जब बजेंगे और थोड़ी सी तपिस कम होगी तो उसके बाद शायद वोटर्स रुख करते रहे जैसे ठीक है। रोकूंगी मैं आपको, सीधे रुख करेंगे वैशाली का, जहां से मेरे सहयोगी कुमार कुणाल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। देखिए कुमार, बेहद दिलचस्प लड़ाई बिहार में इसलिए भी देखने को मिलती है क्योंकि वहां पर जाति हर एक वोट पर हावी रहती है। चाहे जितना भी लीडर्स कहते रहे कि यहाँ पर जातिवाद धर्मनिरपेक्ष राजनीति होती है, लेकिन जाति के आधार पर ही बिहार में वोट गिरते हैं और वैशाली का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बिल्कुल नेहा, और कही तो जाती है वैशाली ऐसी धरती है जहाँ से लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, लिच्छवी गणराज्य यही था और यहाँ पर आज वोटिंग हो रही है और हमारे पीछे मतदाता भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। बहुत तेज गर्मी है इस समय, उमस भी है, लेकिन वैशाली का जो जातिगत समीकरण है वो निश्चित तौर पर वोटरों पर हावी दिखाई पड़ रहा है। कभी ये लालू प्रसाद यादव के राइट हैंड माने जाने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह की का लोकसभा क्षेत्र होता था, उनकी कर्मभूमि हुआ करती थी। इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार बनाया है। जाति भी बदल दी गई है, पहले कहा जाता था कि ये राजपूत बहुल इलाका है। इस बार आरजेडी ने अपने समीकरणों को बदलते हुए एक भूमिहार प्रत्याशी को दिया है यहाँ से मौका। लेकिन वीणा देवी यहाँ मौजूदा सांसद हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी से हैं। आपको बताएं कि जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी तो वीणा देवी पशुपति पारस के साथ गई थी, उसके बाद जब वो लौट करके आई तो एकमात्र ऐसी सांसद हैं जो पशुपति पारस के साथ जाने के बावजूद लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। तो ये बड़ा मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ का पूरा समीकरण है और इसीलिए जो जातिगत समीकरण है उसी को देखा है आरजेडी ने भी और एलजेपी ने भी और आगे अपनी जीत के दावे कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।